सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोजेक्ट का जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग IIT का गेट नंबर 2 पे खड़ा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कौन सा रोड है वर्षा जी? ये हमारा लई रोड है और ये IIT के गेट नंबर 2 से हमारा जो ये रोड है, ये स्ट्रेट रोड प्लॉट तक जाता है बिल्कुल भी। अच्छा, प्रोजेक्ट तक। हाँ, IIT के सामने हम आप देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये हब है, जो कि ऑल ओवर बिहार में सब जगह पेट्रोल यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अब हम लोग आपको लेकर कर चलते हैं साइट पे। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाता रहता हूँ और आज का वीडियो पटना का होने वाला है, पटना बिहटा में IIT के नज़दीक में होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं एक बार मैं ये बता दूँ कि अब आप मुझे व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी आप सारा यूट्यूब वाला वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जा करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल लोकेशन की मैं बात करूं तो साइट का गूगल लोकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहां से भी सारा कुछ आप चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं वर्षा जी हैं, जो आपको पूरे अच्छे से डिटेल में बताने वाली हैं कि कहां पे इनके कंपनी का साइट है, सारा कुछ पूरे डिटेल में बताने वाले। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वर्षा जी, ज़रा ये बताइएगा कि ये साइट है कहाँ पर और ये कितना टोटल एरिया में है? ये पटना IIT से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इस एरिया का नाम नत्थोपुर है और ये हमारा 5 से 6 बीघा में ये हमारा प्लॉटिंग किया हुआ है। 5 से 6 बीघा में ये आपका साइट है। हाँ। अच्छा, जरा ये बताइएगा, यहाँ से आपने जैसा कि बताया कि IIT यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये भी आपने बताया कि ये 5 से 6 बीघे का आपका साइट है। अगर इस साइट में अगर बात करें तो जो ब्रांच रोड और एंट्रेंस रोड से लेकर के प्लॉट साइज से लेकर कितने फीट का होने वाला है, रोड से लेकर के प्लॉट का साइज? ये हमारा जो रोड जो हमारे प्लॉट का है वो आप थोड़ा आगे चलो, मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि कैसे है। ये हमारा गवर्नमेंट रोड से पे ही प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा, तो वो जो रोड जो नजर आ रहा है वो ब्रांच रोड है? वो हमारा गवर्नमेंट रोड है। गवर्नमेंट रोड हमारा 30 फीट का है। अच्छा। उससे जो हमारा ये रोड आ रहा है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह किया हुआ है, ये हमारा 20 फीट का ये रोड है। अच्छा, ये जो पिलर है, जरा इधर दिखाएगा, जो यहाँ तक तो कार लगा हुआ है, ये जो पिलर है यहाँ से आपका 20 फीट का रोड स्टार्ट हो जाता है और उसके वहाँ से जरा उधर 30 फीट का गवर्नमेंट रोड है। वो 30 फीट का गवर्नमेंट रोड है, अभी पिच रोड वो फिलहाल है फिलहाल में ना। तो इधर अगर बात करें तो यहाँ से आपका 20 फीट का रोड स्टार्ट हो जाता है और वहाँ तक चला गया, यानी कि ये पूरा एंट्रेंस रोड है। हाँ, ये रोड पूरा। अच्छा, इसमें ब्रांच रोड कितने फीट का बताएं? वहां से फिर आगे जाके 16 फीट का हमारा ब्रांच रोड है। अच्छा, 16 फीट का फिर ब्रांच रोड आपका हो जाता है। अगर बात करें वर्षा जी कि यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट साइज क्या होने वाला है, मतलब कि जो कम से कम मिनिमम हमारा यहाँ 600 स्क्वायर फीट हम आपको दे सकते हैं, 600 और ज्यादा आप जितना ज्यादा ले सको, लेकिन हाँ हमारा प्लॉटिंग किया हुआ है 600, 1200, 900, 1800 का, 3600 का, 2400 का हमारा प्लॉटिंग किया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट की और डेप्थ की, तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड साइज एक हमारा 1200 स्क्वायर फीट का होता है, अगर उसके बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट हम लोग आपको 30 देने वाले और डेप्थ 40 का रहेगा, 1200 स्क्वायर फीट का। हाँ, 1200 स्क्वायर फीट का। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि 600 से 3600 स्क्वायर फीट तक का मिनिमम टू मैक्सिमम प्लॉट साइज का यहाँ पे है आपके पास, अगर जैसे कि आपने डायमेंशन भी बता दिया, यहाँ पे ये सारे प्लॉट्स जो 16 फीट के रोड पे मिलने वाले हैं या फिर 20 फीट वाले रोड पे, ब्रांच रोड 16 फीट के रोड पे सारा प्लॉट है, यानी कि एंट्रेंस रोड ये सारा सिर्फ 20 फीट का इसमें दिया गया है। वर्षा जी, जरा ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये प्रोजेक्ट्स है आपका, जैसे अगर बाजार की बात करें, स्कूल्स की बात करें, जैसे कि आपने IIT बताया, अभी यहाँ पे NIT भी आ चुका है, स्टेशन भी है, सारा कुछ है, तो इसका थोड़ा कनेक्टिविटी बताइएगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि आने वाले समय में इनका रेट और इंक्रीज करे, बढ़े, ठीक है? तो जरा कनेक्टिविटी इसका बताइएगा तो ज्यादा बेटर होगा उन लोगों को समझ में। कनेक्टिविटी में जैसा आपको बताया मैंने कि यहाँ पे IIT है, तो IIT आपको पता है कि सबसे इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कॉलेज IIT होता है, ठीक है? NIT भी है, उसके बाद फिर NIT आता है, NIT भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो NIT है। फिर यहाँ कुछ ही डिस्टेंस पे हमारा वाटर पार्क है, बैंक्स है, उसके बाद फिर अगर बात करें हीरो साइकिल के जो शोरूम है वो है, फिर ओमेगा पार्क, मतलब
हर एक चीज जो इंसान को यूजफुल होता है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर हेल्थ वाइज हो या फिर यहाँ हार्ट हॉस्पिटल है, तो हर एक चीज यहाँ कनेक्टिविटी, और सारी कनेक्टिविटी मात्र 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सारा कनेक्टिविटी हमारा यहाँ है। मतलब इन शॉर्ट ये कह ले कि 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, ये कहने का मतलब, चाहे बैंक की मैंने बात बता दी आपको, बच्चों के लिए पार्क हो, वाटर पार्क हो, या फिर आपका देखो कोई भी एरिया ना स्टूडेंट पे ही डेवलप करता है, तो यहाँ स्टूडेंट का हब है IIT और NIT के कारण, तो ये मतलब काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा एक चीज जरा ये बताइएगा, ये साइट का रेट क्या होने वाला है, और इसमें अगर जैसे रेट तो ठीक है, मिनिमम आपने बताया 600 स्क्वायर फीट का, सबसे पहले ये बताइए कि रेट यहाँ का क्या होने वाला है। यहाँ पे रेट पर स्क्वायर फीट 1050 होने वाला है। 1050 यानी कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम टू मैक्सिमम एरिया जो आप दे रहे हैं 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 3600 स्क्वायर फीट तक का, यानी कि 600 स्क्वायर फीट का 1050 के हिसाब से 6,30,000 रुपए के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, छोटे प्लॉट का यानी कि 600 स्क्वायर फीट का रेट हो जा रहा है 1050 के हिसाब से 6,30,000 रुपया। यहाँ पे जैसा कि आपने बताया था कि EMI प्लान भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे EMI फैसिलिटी में जाने के लिए क्या मतलब कैसे कर सकते हैं, और वन टाइम करने वाले का क्या है, ये जरा क्लियर कीजिए। जैसे कि देखिए अभी ऑफर चल रहे हैं, ठीक है, काफी अच्छे ऑफर्स हैं, ऑफर्स में आपको ऑफर्स में गिफ्ट्स तो हैं ही जो कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, और साथ ही साथ आपको अगर आप इस ऑफर के मेंबर बनते हो तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन आपको डिस्काउंट हमारे कंपनी से मिलता है। अच्छा ये ऑफर क्या है, किस दिवाली पे आ रहा है या फिर छठ पूजा, किस चीज पे आ रहा है? ये हमारा दिवाली तक ये ऑफर है। अच्छा। और अगर इसमें आप ऑफर, और ऑफर के मेंबर बनने के लिए आपको ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बजट होना चाहिए, आप 51,000-21,000 से हमारे यहाँ बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने से आप हमारे उस ऑफर के मेंबर बन गए। अब अगर आप EMI प्लान लेना चाहते हो, तो अगर आप 600 स्क्वायर फीट लेना चाहते हो तो आपको 1,57,000 के करीब आपको एग्रीमेंट अमाउंट जो कि 25% होगा, वो 25% अगर आप एग्रीमेंट अमाउंट देते हो उस दिन आपका वो गिफ्ट भी डिलीवर हो जाएगा जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हमारे यहाँ से अगर मेंबर बनते हो तो आपको वो गिफ्ट मिलेगा। और 1050 जो मैंने रेट बताया वो भी नेगोशिएट हो जाएगा, और काफी अच्छा जब आप ऑन टेबल जाओगे हमारे यहाँ, जब आपको सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे बेस्ट बात है कि आपको ये प्लॉट पसंद आए, हम लोग पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे रहे हैं कि आपको हमारी गाड़ी जाएगी पिक करके आपको आएगी, प्लॉट दिखाएगी, और प्लॉट के भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बेस्ट, कहीं पे भी कोई प्लॉट लेता और कहीं का भी कोई एरिया डेवलप करता है तो वो मोस्टली स्टूडेंट के कारण ही करता है, और यहाँ IIT NIT है तो सब कुछ बेस्ट। अच्छा एक चीज जरा ये बताइएगा कि ये कितने साल का EMI दे रहे हैं? EMI हम लोग 12 से 24 महीने के लिए दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वीडियो के थ्रू सारा जानकारी लगभग मिल चुका होगा। लोकेशन अगर नहीं समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल लोकेशन का लिंक मैंने डाल रखा है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके सारा जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।